अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुहेब और आप देख रहे हैं जुहेब टेक्निकल टीवी। सो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में वाईफाई हॉटस्पॉट को टर्न ऑन कर सकते हैं और उसके बाद किसी दूसरे मोबाइल या लैप पीसी या लैपटॉप सिस्टम के साथ कैसे उसको कनेक्ट कर सकते हैं और ये कह लें कि आप विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम को वाईफाई हॉटस्पॉट के तौर पर यूज़ कर। तो अब दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आपने ये वीडियो कंप्लीट देखें तभी आप ये तरीका मुकम्मल जान पाएंगे। और कुछ दोस्तों को पता भी होगा लेकिन जिनको नहीं पता, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए और वो कंप्लीट को देखते रहिए। तो अब दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों आपने नेटवर्क पे क्लिक कर लेना है, ये जो आपको नेटवर्क नज़र आ रहा है, ठीक है, ये जो वाईफाई, ठीक है, आपने इस पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अब दोस्तों आपके सामने ये एक पेज ओपन हो जाएगा इस तरह का, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे क्लिक करना है नेटवर्क इंटरनेट सेटिंग्स, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अब दोस्तों आपके सामने उसकी नेटवर्क इंटरनेट सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। अब दोस्तों आपने मोबाइल हॉटस्पॉट पर क्लिक करना है। मोबाइल हॉटस्पॉट दोस्तों आपको यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर जैसे मोबाइल हॉटस्पॉट लिखा हुआ है ये, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अब दोस्तों आपके सामने ये मोबाइल हॉटस्पॉट की ये सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। अब दोस्तों आपने इसको टर्न ऑन कर लेना है, यहाँ से इसको लिखा ये ऑफ है, आपने इसको ऑन कर लेना है। और जैसे आप इसको ऑन करेंगे अब दोस्तों आपने इसकी सेटिंग्स कर लेनी है। ये सेटिंग्स करने के लिए आपको नीचे का ऑप्शन मिलेगा एडिट, आपने इस एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। और जैसे आप एडिट पे क्लिक करें अब दोस्तों आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर वो कह रहा है अपना नेटवर्क नेम आप जो देना चाह रहे हैं आपने वो इंटर करें, ठीक है। यहाँ पर आपने अपना नेटवर्क नेम देना है और यहाँ पर नीचे उसका जो पासवर्ड है वो देना है, ठीक है। यहाँ पर तो आपने देने के बाद आपने जस्ट आपने सेव पे क्लिक कर लेना है। और जैसे आप सेव पे क्लिक करें दोस्तों आपके नेटवर्क का यूज़र नेम और आपका जो नेटवर्क का पासवर्ड, यानी कि आपके मोबाइल हॉटस्पॉट का यूज़र नेम और पासवर्ड आपने यहाँ से इसे सेव कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको मैं मोबाइल पर कनेक्ट करके दिखाता हूँ। दोस्तों आपको मैं मोबाइल पर लेके आया हूँ और मोबाइल पर दोस्तों आपको दिखाता हूँ। अब दोस्तों मोबाइल के मैं जस्ट वाईफाई पे क्लिक करता हूँ, वाईफाई को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों ये देख सकते हैं जो मैंने अपने पीसी के हॉटस्पॉट का नेम रखा था वो देखें, ये इधर शोर है इसका हॉटस्पॉट, ठीक है। अब इसको जो इस पर मैं पासवर्ड इंटर कर लेता हूँ जो मैंने उधर पासवर्ड उसका सेलेक्ट किया था। और ये दोस्तों देख सकते हैं ये वाईफाई इधर कनेक्ट हो गया और आप पीसी की स्क्रीन पर देखें आपको इधर शोर है, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये देखें जस्ट मोबाइल पर वाईफाई हॉटस्पॉट उसका कनेक्ट किए इधर वे शो कर रहा है कि इधर दिखा रहा है कि आपके वाईफाई हॉटस्पॉट के साथ एक डिवाइस कनेक्ट हो चुकी है। और नीचे उसके डिवाइस का नेम शो हो रहा है और उसका आईपी एड्रेस शो हो रहा है और उसका मेक एड्रेस शो हो रहा है, ठीक है। और ऊपर दोस्तों आप एट अ टाइम अपने पीसी के हॉटस्पॉट के साथ 8 डिवाइस यानी कि 8 डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं और वो ऊपर आपको दिखा देगा, ये देख सकते हैं ये ऊपर आपको दिखा देगा कितनी डिवाइस आपके साथ पीसी के साथ कनेक्ट हैं। ये इस वक्त एक कनेक्ट है तो इधर एक शोर है, ठीक है। ये आप 8 डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं अपने पीसी के साथ। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यार इसके लिए लाइक तो अपना लाइक कर दे और इस वीडियो के रिलेटेड आपका सौ सवाल है नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो किसी टॉपिक वीडियो चाहते हैं वो भी मुझे बता सकते हैं। तो किसी नेक्स्ट न्यू वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।